हेलो, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है? सर। ठीक ठाक है सर। आप कुछ? ठीक हो सर? हाँ जी, हाँ जी, कुछ ठीक हुआ? सर वो बीच में कुछ काम आ गया था तो लैक्सेटिव लेना पड़ गया था सर। 2-3 दिन पेट भारी सा हो गया था और बाहर जाना था, ओके, कोई तो वो बीच में वो डिस्टर्ब हो गई वो साइकिल। तो जैसे आपने बात नहीं, कोई बताया, बात नहीं, दोबारा कर लीजिए। हाँ वो मैंने सोच रहा हूँ दोबारा चालू कर दूंगा अभी हाँ, वो तो। दोबारा चालू क्या, वो तो हमेशा के लिए रखना है ना, तो 19-20 हो जाता है, मतलब 2-4 गिलास ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। पर ब्रॉडली उसको फॉलो करते रहे, लाइफ लॉन्ग वो दिक्कत नहीं आएगी, वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी। जैसे कल मैं मिला रहा था, आप बिजी जा रहा था आपका फोन, हाँ, तो सर जैसे कल सिर दर्द होने लग गया था मेरा, और वॉक इन आप टेस्ट करो। जैसे, हाँ आप जैसे मेडिसिन मना करते हो और वॉक एंड रेस्ट बोल देते हो, तो हाँ उससे वो मैं कर तो रहा था लेकिन वो उससे ठीक नहीं हो रहा था सर। देखिए, अगर आपके बहुत ज्यादा सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसका हाँ मतलब है कि आपके सर को, ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती। तो आप 5 मिनट वॉक करके 5 मिनट रेस्ट करोगे, ठीक नहीं होगा। उस समय अच्छा जब आपके कंट्रोल से बाहर होने लगे चीजें, आपको लग रहा है कि आपसे संभल नहीं रही है, तो उसमें 1 मिनट चले, 5 मिनट रेस्ट करें, फिर 1 मिनट चले, 5 मिनट रेस्ट करें, ऐसे लगातार करते रहिए जब तक सर दर्द ठीक ना हो जाए। अच्छा 1 मिनट से ज्यादा मत चलिए। अच्छा सर, आपने ऐसे किया हुआ एक्सपेरिमेंट की मतलब आपका हाँ, कंट्रोल से एक बाहर पर हो? नहीं, एक पर नहीं, बहुतों पर किया हुआ है। अच्छा, ये ठीक हो जाता है आप ये कह रहे हैं? 100% ठीक होता है ये। कई बार क्या होता है, हम सुस्ती कर जाते हैं और 1 मिनट भी नहीं चल पाते, और उस समय कई बार माइग्रेन टाइप से होता है ना, तो अच्छा उसमें अच्छा कुछ मूड भी बहुत इतना ऑफ हो जाता है कि 1 मिनट भी चलने मन नहीं करता कई बार, तो वो फिर नहीं होता। बट अगर कोई आदमी 1 मिनट की जगह आधा मिनट चल के 5 मिनट भी आराम करता है, तो वो आराम हो जाता है घंटे भर में। अच्छा 1 घंटे में हो जाता है हाँ, जो माइग्रेन के बीमार होते हैं ना, जो माइग्रेन तो बहुत जोर से होता है ना सर दर्द, जी? अच्छा जिनके दो दो तीन तीन दिन भी सर दर्द रहता था, वो भी ठीक हो जाते हैं परमानेंट इससे। ये तो टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, गैस बन रही है उसकी वजह से सर दर्द होता है। आप वॉक एंड रेस्ट करते हो, गैस भी कम हो जाती है और आराम भी मिल जाता है, सर दर्द को भी आराम मिल जाता है। अच्छा सर, जैसे सर्दियां आ गई तो कल शायद मैं सर्दी में निकल गया था, तो उसके कारण सर इस सर्दी से फर्क पड़ता है जैसे ठंड में अगर दुनिया की निकलते हैं? किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है पानी के स्टोर होने से, कि आपके शरीर में कितना पानी स्टोर हो रहा है। तो कई बार वो जो सर्दी गर्मी होती है ना, उसी से पानी को फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। सर्दी गर्मी अच्छा से कुछ नहीं होता, एक बार आप एक सिस्टम पर आ जाओगे तो आप बर्फ में चले जाओ, आप एकदम हीट में चले जाओ। होता है ना कि जैसे आप गर्मी से आए हो अच्छा तो एसी के सामने मत बैठो, पंखे के सामने मत बैठो। एक बार अच्छा आप ये सिस्टम पर आ जाओगे, 6-7 महीने हो जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी करो, आप एसी से निकल के सीधा धूप में चले जाओ, धूप से आकर सीधा एसी के सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा तो सर जैसे अब जैसे मान लो जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत सर्दी आएगी, तो अगर हम सिंगल टी शर्ट में घूमने लगते हैं तो उससे हम बीमार नहीं पड़ सकते सर? नहीं, मतलब सिंगल टी शर्ट ज्यादा हो जाती है। वैसे तो जो लोग यूज टू हो जाते हैं, जिनको इस चीज की समझ में हो जाती है और इसकी अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी बॉडी को एडजस्ट होते होते टाइम लगता है, तो वो दिक्कत आएगी। ऐसे मत करिए, मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेनली ये कह रहा हूँ कि भाई जो सर्दी गर्मी होती है, कि भाई आप खेल के आए हो, बहुत से लोग बहुत डरते हैं कि जो अगर हम एसी के सामने आगे सीधा तो एकदम से जुकाम हो जाएगा। होता भी है जुकाम, मुझे भी हुआ हुआ है, पर वो अच्छा जुकाम तब तक होता है जब तक आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं होती। मैंने एक बार जब ये मेरे को समझ में आ गया ना कि जुकाम क्यों होता है, मैंने कहा जब होता है तो इसका मतलब पानी का इम्बेलेंस होता है और उसकी वजह से होता है। तो मैंने कहा जितना जुकाम होना, एक बार हो जाए, सारा कफ निकल जाए, उसके बाद होगा ही नहीं। तो सही एक बार ही किया, उसमें अच्छे से जुकाम हुआ कि खेल के आते थे, बॉडी एकदम हीटअप होती थी, एसी के सामने बैठ जाते थे कपड़े उतार के, अच्छा तो अच्छा उससे एक दो बार जुकाम हुआ। पर फिर धीरे धीरे करके जो कफ निकलना होता है वो निकलने देते हैं, हम कोई दवाई वगैरह नहीं लेते, फिर वो अच्छा बॉडी एकदम, चेस्ट एकदम क्लीन हो जाती है। फिर उसके बाद आप सर्दी गर्मी जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होता उसके बाद। अच्छा सर, जैसे आपको तो अभी 8-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो हाँ, सर आप अब जैसे विंटर में निकलते हैं तो सर मतलब सिंपल नहीं शर्ट वगैरह निकलते नहीं हैं नहीं 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 ना? नहीं नहीं मैं स्वेटर डाल के चलता हूँ, परंतु अच्छा ये है कि ज्यादा नहीं डालते। मतलब जैसे हमें तो कार में ही ज्यादातर जाना होता है, पर कार में नहीं भी जाना होता तो एक स्वेटर डाल के, जो बचपन में दो दो स्वेटर डालते थे और ऊपर अच्छा से भी फिर भी कुछ ना कुछ ठंड लगती रहती थी, तो अब वो हाल जी नहीं होता है। अगर हम अच्छा पैदल चल रहे हैं, एक तो होता है टू व्हीलर वगैरह में तो ठंड लगेगी लगेगी, पर अगर हमें पैदल चलना है, मेट्रो में जाना है, उस तरीके से जाना है, तो एक स्वेटर, हल्का सा स्वेटर काफी होता है। अच्छा तो सर जैसे मान लो बाइक वगैरह में सर्दी में चले जाते हैं और ठंड लग जाए, फिर तो तो उसके प्रोटेक्शन बाद लेके फिर चलो, विंड शीटर वगैरह लगा के चलो, ताकि आप मतलब मान लो अगर लग जाए जैसे कई बार कर नहीं पाते लग ऐसे? जाए तो ठीक हो जाता है। आधा एक घंटा लगता है, बॉडी की हड्डियों तक चली जाती है वो सर्दी। अगर आप ज्यादा ड्राइव करके जा रहे हो, 15-20 किलोमीटर, तो काफी अंदर तक ठंड घुस जाती है, दिसंबर जनवरी के खासकर महीने में। तो वो उसके बाद घंटा भर लगता है, जब अपने रूम, ऑफिस में, घर में, जहां भी पहुंचना है पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वो धीरे धीरे तो रजाई रजाई ले लो, 15-20 मिनट आधे घंटे में नॉर्मल हो जाता है। पर बीमारी अच्छा बीमारी नहीं होती उससे।
जैसे बुखार हो जाता था, जैसे कई बार सर्दी में मेरे को नहीं, जो बुखार होता है वो नहीं होगा। अच्छा वो नहीं होगा। नहीं वो नहीं होगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्दी नहीं लगती, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा जैसे अभी भी मौसम ठंडा है, छत पे घूमते मुझे ऐसा लगा कि मतलब सर्दी पुराने तरह से एक बार भी सर्दी ना लगे तो फिर अवॉइड करने लगे तो। नहीं अभी तो कोई सर्दी वर्दी नहीं है, अभी तो बस मतलब आप किसी भी को यूज टू होना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अच्छा जैसे 6 महीने 1 साल के बाद मतलब रेजिस्ट करनी हो जाएगी, मतलब बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अच्छा और सर एक चीज और बताओ, जैसे सर बीच में मैं जैसे जिम ज्वाइन करता था तो वो मैंने छोड़ दिया था, मतलब कंटिन्यू हो नहीं पाती थी बहुत सारी चीजें, जैसे कई बार कंधे में मोच आ जाती थी, कई बार इस तरह से हो जाता था, तो एक दो बार क्या फिर छोड़ना पड़ गया था। तो अगर जैसे जिम ज्वाइन करना हो दोबारा तो उसके लिए जैसे आप तो मना ही करते हो कि भाई जिम वगैरह अच्छी नहीं है, तो लेकिन अगर हमको बाइसेप्स और एब्स इनकी एक्सरसाइज करनी है तो फिर इनके लिए क्या कर सकते हैं सर? देखो जिम करना है तो ज्यादा वेट मत उठाओ। अच्छा। अगर आपको जिम जाना है तो, क्योंकि देखो मेरा मानना यह है कि जो लाइट वेट की एक्सरसाइज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा कौन सी एक्सरसाइज सर? कोई भी, अगर आपको वेट भी उठाना है, अगर आप मान लो 40 किलो उठा, अच्छा, लाइट वेट उठाओ। अच्छा उसके रिपीटिशन वैसे फालतू कर लो, वैसे तो मेरे समझ से तो रिपीटिशन ज्यादा करने का भी फायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि दो दो तीन तीन बारी, मतलब जैसे पुशअप करने हैं 2-4 पुशअप मारो छुट्टी करो, उसी तरीके से सारी एक्सरसाइज कर लो बेशक। अच्छा। ज्यादातर हल्के वेट से करो, हफ्ते में एक आधा दिन ज्यादा वेट के साथ भी कर लो। अच्छा तो सर जैसे कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप दिन में 5-6 बार घंटे में जैसे 10-10 पुशअप्स आपने कर लिए, पुलअप्स कर लिए, और दिन में 5-6 बार इस तरह से 10-10 सेट कर लिए, तो ये अच्छा तरीका है सर आपके हिसाब से? हाँ 10 तो ज्यादा नहीं होते, यूजली मैं तो कहूंगा 5-5 ही कर लो, 15-20 बार वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप, मेरा समझ ये कहती है कि जब आप ज्यादा करते हो ना, एक्सट्रीम पर करते हो कि एक ही साथ 50 कर लिए 100 कर लिए, तो उससे मसल टीयरिंग हो जाती है, उससे स्ट्रेंथ नहीं आती है, वो मसल टीयर होके जुड़ जाता है, वो बॉडी तो दिखती है परंतु उसमें दम नहीं होता। अगर आपको दम चाहिए, रियल स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप कम करो, मतलब जैसे 5-5 मारो 15-20 बार दिन में मारो, फिर देखो 2 महीने में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेंथ भी आएगी और बिल्डअप भी हो जाएगा। तो मतलब वो कैन रेस्ट की तरह रूम पे ही आप मतलब जिम का ही मतलब बता दे रहे हो? इसमें जिम का नहीं, इसमें जिम का नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो जब आप कोई भी चीज मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हो तो फ्लूइड अंदर बाहर होता है। जी फ्लूइड के साथ में न्यूट्रिशन होता है, उसका प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट्स भी होंगे और भी मिनरल्स वगैरह होंगे, तो उन सब चीजों से ही सारी आपकी मसल्स और बॉडी बनती है। अब आपने मान लो 5 बार ही कर लिया। अच्छा तो मैक्सिमम जितना फ्लूइड जा सकता होगा वो चला जाएगा। उसके बाद में आप फालतू में जबरदस्ती करते रहो तो उसका फायदा क्या? पर उससे नुकसान भी क्या होगा सर? मसल टीयरिंग हो जाती है ना, मसल मतलब जो जो आपके सेल्स के स्ट्रक्चर से मसल बना होता है तो मसल टीयर हो जाता है। आप हुआ हुआ तो, तो आपके चोट लगती है बाहर से, कहीं मान लीजिए स्किन पर कट लग गया, तो जब वो भरता है तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है ना, उसको स्कार टिश्यू कहते हैं, और उस पपड़ी में अगर आपके ज्वाइंट पर आए और आप उस ज्वाइंट को स्ट्रेच करो तो वो फटने लगती है, और कभी हल्का सा ब्लीडिंग भी हो जाती है, पपड़ी को जल्दी उतार दो ब्लीडिंग हो जाती है ना, इंटरनल टीयर भी आ जाते हैं सर कई बार, तो ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये इंटरनल टीयर्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि बाहर तो आपके सूखा होता है तो जल्दी से वो ड्राई अप हो जाता है, अंदर ड्राई अप नहीं होता है, वो उसको हीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो स्कार टिश्यू होता है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी ओरिजिनल मसल में होती है, तो टीयरिंग नहीं होनी चाहिए। जबकि ये बॉडी बिल्डर सभी बोलते हैं कि टीयरिंग होगी तभी आपके मसल्स बनेंगे, वो एक गलत कंसेप्ट है, वो उसका नाम कुछ और कर देते हैं, बट मसल टीयर इज अ मसल टीयर, चाहे उसको आप कोई भी नाम दो, और उसके बाद जो भी उसको मसल टीयर होने के बाद जो भी बनेगा वो मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो सर जैसे जिम में ये प्रोटीन्स और ये सब लेते हैं और कंसिस्टेंट जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे स्टीरॉइड तो अवॉइड करते हैं, जैसे सिर्फ प्रोटीन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी एक चीज समझो, हमारे घर में अभी हमने एक मेरे लड़के ने एक वो वेइंग मशीन भेज दी जिसमें बॉडी कम्पोजिशन टेस्ट होता है। अच्छा मेरे पास 15 साल पहले भी मैंने खरीदी थी 3,000 रुपए की, अभी 2,500 रुपए की ली है। अच्छा तो 15 साल पहले जो 3,000 है वो तो आज की डेट में 25-30 हजार रुपए के बराबर है ना। सही बात। अब वो उसमें क्या आप इंटरनेट पर ढूंढोगे ना कि एक मशीन काम कैसे करती है, तो वो बोलता है कि जो आप पांव रखते हो ना जहां पर, वहां से वो मशीन लो वोल्टेज करंट पास करती है आपकी बॉडी के थ्रू। अच्छा
तो उस जो करंट होता है उसके अंदर जो इम्पीडेंस होती है वो आपकी पानी की अलग है, मसल की अलग है, बोन की अलग है और फैट की अलग है। तो वो जहां जहां से वो गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कि आपका फैट कितने है, आपके मसल कितने हैं, वो सब। अच्छा अच्छा, फैट मसल रेशियो जो 8 और ऐसा कुछ बोल बताया करते हैं। ये आपको मिलेगा इंटरनेट पर, ये मिलेगा जो कंपनी बनाती है उसका एक्सप्लेनेशन, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये टोटल फ्रॉड होता है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला होता है जिसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, और हाइट वेट और डेट ऑफ बर्थ, तो इस हिसाब से वो फार्मूला कैलकुलेट कर देता है। वो फार्मूला अपने आप से कैलकुलेट करता है, उसने जो नीचे से कहते हैं कि लो वोल्टेज करंट वगैरह वो कुछ नहीं होता। अब हमने खरीदी थी तो मेरा ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रहा था अपने घर में, तो उन्होंने कहा जब आप मानते नहीं तो इसको यूज क्यों करो। मैंने कहा मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि ये बकवास है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना वेट किया, तो मेरे को वेट के हिसाब से जो मेरा फैट के परसेंटेज था वो 24.3 दिखा दिया। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अगले 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी पी लिया। 1 लीटर पानी पियोगे तो 1 किलो वेट बढ़ जाएगा ना। हाँ। पर फैट तो नहीं बढ़ा, अपना पानी बढ़ा है आपका। सही सही। तो अब आपके पास 2 कंपोनेंट है, एक तो फैट है और एक रेस्ट ऑफ द बॉडी है। तो 24.3 ये है तो 75.7 वो हो गया। सही बात। अब आपने जब पानी पिया तो 75 पॉइंट वाला बढ़ा ना आपका, टोटल वेट बढ़ गया। सही बात। फैट तो नहीं बढ़ा ना आपका। सही बात। तो उतने ही फैट को ज्यादा वेट से डिवाइड करोगे तो कम आएगा ना। कम हो जाएगा। हाँ, कम होना। परंतु वो बढ़ गया 0.6%। ठीक है। तो उसके बाद उनको समझ में आ गया, और मैंने ये सब बहुत पहले देखा हुआ है कि आप कुछ भी खाओ वो फैट को बढ़ा देता है, आपका वेट किसी भी तरीके से बढ़ जाए वो सीधा दिखा देगा आपका फैट बढ़ गया। तो वो एक जितने भी, और ये जो भी कैलकुलेशन होती है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड करके भी कैलकुलेशन होती है जो आपकी बॉडी कंपोजिशन को बता दे, सब बकवास होता है। अच्छा। कोई भी चीज हेल्थ सेक्टर की कोई भी स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं होती, वो एस्टीमेशन होता है ज्यादा से ज्यादा, और उस एस्टीमेशन में गलती कितनी ज्यादा होती है आप समझ सकते हो। 24.3 जो 1 किलो मैंने पानी पिया, 24.3 से वो हो जाना था 24.3 कम होना चाहिए था, वो 0.6 बढ़ गया। अब ये तो जो भी आदमी इसको मशीन को बना रहा है, जो भी आदमी क्लेम कर रहा है, उसको भी तो दिखना चाहिए, वो तो टोटल फ्रॉड हो गया ना। इतना पढ़ा लिखा तो वो भी होता है, उसने भी तो 10-50 टेस्ट करने के बाद ही तो कोई क्लेम करेगा। सही बात है। तो इसी तरीके से मैंने एक नहीं, मैं आपको लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ इसी तरीके के। धीरे धीरे करके आप समझदारी से कैलकुलेट करोगे, ध्यान दोगे तो सब चीजें आपको समझ में आएगी। अच्छा, आप एक्सरसाइज में, अगर सर जिस तरह आपने बताया, तो जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरवल्स में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे 5 पुशअप 10 पुशअप ऐसे। नहीं, इंटरवल्स पर तो, नहीं, आप लगातार भी कर सकते हो। आप 1 घंटा जिम जाते हो तो आप 2 पुशअप। हेलो हेलो। हाँ जी सर, वो एक दो डाउट थे। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आप हमेशा रूटीन बताते हैं, जैसे खाने का 8 और 2 और 8 इस तरह से 6 क्लास का, तो मान लो अगर जैसे मान लो कोई हम रात को 2 बजे खा के 4 बजे सो रहे हैं और 10 बजे 12 बजे उठ रहे हैं और फिर 2 बजे खा रहे हैं दोपहर को ब्रेकफास्ट ही, तो उससे मतलब आप क्या देखते हैं सर, दिक्कत क्या आती है मतलब बॉडी में? कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो भी उतना ही फर्क पड़ता है, कोई खास नहीं फर्क पड़ता। देखिए, अगर कोई रेगुलर ही ऐसा करे, अगर कोई रेगुलर कर ही जा रहा है तो उससे दिक्कत क्या आती है? देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, अगर आप 2 बजे खा रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे खा रहे हैं, 2 और 10 के बीच में 8 घंटे का गैप हो गया। मतलब 8 घंटे का तो गैप मेंटेन कर ले रहे हैं, लेकिन रात को 2 बजे खा के सो रहे हैं, फिर 10 सुबह 12 बजे खा रहे हैं, इस तरह से मतलब बिगड़ा हुआ। एक चीज होता है कि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन सब चीजों के ऊपर, जो भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं ना मेडिकल वाले। तो सर आपका एनालिसिस, वो उन सब का तो फ्रॉड ही लगता है मेरे को। पर मैं तो अपना भी नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं करता हूँ। जी जी। कोई जबरदस्ती 2 बजे खाने वाली बात हो तो मतलब मेरे को समझ नहीं आती, अगर रोज रोज वो तो जो आदमी करता है कोई कांटेक्ट में आएगा तभी बता जा सकता है ना। वो भी जैसे कई बार हम रात को 12 बजे 1 बजे ही खाते थे सर लगातार, कॉलेज में थे तो वो कई साल चला था ऐसे। कई साल चलने में कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परंतु फिर भी अगर आप 8 घंटे का गैप रख रहे हैं और बाकी वॉकिंग मतलब आपका थोड़ा बहुत चलना हो जाता है, एक्सेसिव भी नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी बंदे ने बचपन में एक्सरसाइज कर ली 15-16 साल तक, तो उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, उसको अगले 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बंदे ने कोई बचपन में एक्सरसाइज नहीं करी, 18 साल में कॉलेज जाने लगा और उसको हुआ कि यार मैं तो
थोड़ा सही नहीं दिखाई देता, अब कॉलेज में जाना है तो उस एज ग्रुप में पहुंच गया जिसमें लड़के लड़कियों का आपस में रिलेशनशिप वगैरह शुरू होता है या बातचीत शुरू होती है, तो सब कोई कॉन्शियस होता है, हर कोई अपनी लुक्स को लेकर अपने स्टाइल को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहता है। अब वो बंदा योगा करना शुरू कर देता है, जिम जाना शुरू कर जाता है या वॉकिंग रनिंग वगैरह शुरू कर देता है, अब क्या होता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेट हो चुका होता है 14-15 साल में, जैसे हाइट वाइट बढ़ती है ना, बाकी सारी जितनी ग्रोथ होनी होती है हो चुकी होती है। उसके बाद आप उसी पैरामीटर्स के आसपास घूमते रहते हो कि अगर आपकी हाइट 5.5 हो गई तो 5.5 का दो चार mm कम ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होता। सही, तो इसी तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप 2 रोटी कम खाते हो 4 खाते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 1-2% का फर्क पड़ता है। तो अब जिसका मेटाबॉलिक रेट तो लो हो गया और उसने ये सब एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो उसका मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिक रेट लो होने का मतलब है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को ऑलमोस्ट काम चला हुआ एनर्जी मिल रही है। अब आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो वो एक्सरसाइज में जो आपने एनर्जी खर्च करी वो आपके वाइटल ऑर्गन से कम हो जाएगी, तो आपके वाइटल ऑर्गन अंडर परफॉर्म करने लगेंगे और पता चलेगा जी उसको 2 साल के अंदर डायबिटीज होगी। मेरे पास ऐसे 2-3 केस है, मैं बताता हूँ आपको। 18-20 साल की उम्र के अंदर ये डिफेंस वगैरह में एंट्री होती है, पुलिस वगैरह में, गांव के बहुत से लोग उसमें एंट्री मारने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सही बात। उसमें मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। एक जगह का फोन आया जी, उसने मतलब ये रनिंग शुरू करी और 6 महीने के बाद टाइप 1 डायबिटीज हो गई। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन लगा रहे हैं वो। अच्छा। ऐसे 3 केस आ चुके हैं ऐसे लगातार। अच्छा। और एक आधा केस नहीं है। अब होता ये है कि बचपन में तो कुछ खेले कूदे नहीं, तो सर बचपन के खेल कूद को आप कौन सी एज कहना चाह रहे हैं, मतलब 14 साल? 13-14 साल में सारी ग्रोथ हो चुकी है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट 7-8 साल में कहते हैं 80-90% या 100% हो जाती है। तो जो अच्छा खेलना और वो है, तो आप उसको ये कहना चाह रहे हो कि मतलब एक वेल प्लेड, मतलब 1 घंटा अगर कोई रोज ढंग से खेलता था तो उसको कहोगे आप, मतलब? हाँ, अगर 1 घंटा रेगुलर कोई बचपन से ही खेल रहा है 4-5 साल की उम्र से, और वो 4-5 साल के बाद 7-8 साल 9 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज का स्ट्रेंथ चेंज होती रहेगी, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा 14 साल में, ही विल बी ऑलमोस्ट गुड इनफ कि उसका अगले 20 साल तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो लोग होते हैं जिन्होंने नहीं की होती, वो नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत तो सर बच्चे खेलते ही हैं, मतलब नहीं, 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 नहीं। अरे नहीं, आज की डेट में मोबाइल का जमाना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिलते भी नहीं, बैठ से भी नहीं हिलते। मेरे अपने बच्चों की बात है, मेरे बच्चे स्कूल की टीम में थे, परंतु उस स्कूल की टीम में खेलने के बाद जब भी जैसे कॉलेज में गए तो पूरा दिन, जिस दिन छुट्टी है तो मतलब 24 में से 18 घंटे मोबाइल लेके रहते थे। आजकल तो यही है सर, सही कह रहे हैं। हाँ, तो आज की डेट में आप किसी का कुछ नहीं कह सकते, लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना लो हो चुका है कि लोग सिंपल लाइफ भी नहीं जी पाते हो। सही, हमारी इतनी उम्र हो गई आज की डेट में भी, हमें अगर आज की डेट में मान लो मैं पिछले 5 साल से बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगर बेड पर भी हूँ तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म इतना सही होता है कि अगर जिस दिन हम निकल जाए तो 18 घंटे आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सही बात। बाकी लोगों को चक्कर आने लगते हैं 2-4 घंटे बाद। सर एक और डाउट था सर। हाँ सर, जैसे हम जैसे एब्स के लिए रनिंग को एक्सरसाइज बोला जाता है सर, नहीं नहीं, तो आपके लिए उसमें वो कैसी है? एब एब के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, एब के लिए तो आप ये वॉक एंड रेस्ट, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करो, फर्स्ट क्लास एब्स बनते हैं सर। उससे एब्स कैसे बन सकते हैं सर, वो तो फैट रहेगा ना सर उससे, स्टमक पे क्यों फैट क्यों रहेगा सर? जैसे नॉर्मल एक फैट तो नेचुरल लेयर होती है ना सर बॉडी की, वो कम भी हो जाती है सर इससे? देखिए, आपका जो परफेक्ट बॉडी होता है, मैं एक बार को एक लड़के को एक बार देखा मैंने, 30-31 साल के आसपास होगा। अच्छा। लेबर क्लास, तो वेट वुट उठाते ना, जैसे पेपर्स लोडिंग अनलोडिंग वाले काम होता है, बोरा उठाना और ये सब जो कमर करके रखते हैं, एकदम ए क्लास जिसको कहते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली, वैसी मसल थी उसकी बिल्कुल। अब ना नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, मस्त रहते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, और ये भी नहीं कि 10 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है। सर वो तो हैवी एक्सरसाइज होगी ना, जैसे कमर पे लोड उठा के चलना, थोड़ी कर रहे हैं पूरा दिन, थोड़ी कर रहे हैं अभी, कहीं मान लो 50 अनलोड करने 10 मिनट काम किया, फिर आराम से गाड़ी में बैठे अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। बट सर 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट से क्या आपने ऐसा देखा है सर डायरेक्ट की, मतलब कुछ को एप्स मतलब परफेक्ट जैसे बने हों, जैसे जिम से जाते हैं उनके? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले वॉक एंड रेस्ट का फॉर्मूला चालू किया मैंने अपने ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद ना हमारे जैसे बताया बच्चे स्कूल टीम वगैरह में थे, स्पोर्ट्स में थे, तो उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया तो स्पोर्ट्स छूट गया, तो
बॉडी वेट पुट ऑन करने लगती है या फिर आप मोबाइल यूज भी बढ़ जाता है उस एज में। अब उसके बाद में वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो वेट जब बढ़ने लगा तो देखा थोड़ा 2-3-4 किलो बढ़ गया, तो रनिंग वनिंग शुरू कर दी, जिम ज्वाइन कर लिया। तो ये सब करने के बावजूद कि रेगुलर योगा भी कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, रेगुलर नहीं तो मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो हो ही जाता था, जिम भी ज्वाइन कर लिया, रनिंग भी कर ली, योगा भी कर लिया, पर वेट नहीं कंट्रोल हो रहा, वेट बढ़े जा रहा है। तो उसमें कभी चीनी नहीं खाओ, कभी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दो, तो अल्टीमेटली एक बार ऐसी बच्चों से शर्त लगी। अच्छा, तो हमारे घर में ना फ्रीडम बहुत ज्यादा है, तो कोई किसी की बात मानता नहीं है, डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं बेसिकली। तो शर्त ये लगी कि अगले 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर 2 किलो वेट कम हो जाएगा। अच्छा, किसी खाने पीने की चीज को चेंज नहीं करना, ना चीनी को ना किसी और चीज को। अच्छा, सिर्फ एक काम करना है, हर 1 घंटे में 5 मिनट चल लो। अच्छा, और सारा दिन उन दिनों एग्जाम की तैयारी के चक्कर में सारा दिन घर ही होना था। और अगर 2 महीने में 2 किलो वेट नहीं कम होता तो जिंदगी भर मेरी बात मत मानना हेल्थ के बारे में। तो फिर ये शुरू हुआ, 5 मिनट नहीं तो कभी 7 मिनट या 10 मिनट लगा लो घंटे में, वो अपनी मर्जी से किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। और किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ना चीनी की, ना खाने पीने की, ना किसी और चीज की। 2 महीने में 4 किलो वेट कम हो गया, 3 महीने में करीब 5-6 किलो वेट कम हो गया। सो दैट वॉज वन थिंग जिसके अंदर सारी एक, और दूसरी शर्त यह थी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई जिम नहीं जाना, कोई योगा नहीं करना, कुछ नहीं करना। बट सर आपने जो ये डिस्कवर किया है वो एक्सेस वेट को कम कर रहा है ना सर, जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो है एक नॉर्मल वेट की, जो फैट है जो, तो अगर उसको ये वेट कम करने का सिलसिला नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना। ठीक है, अगर किसी का वेट कम है और उसको वेट पुट ऑन करना है तो भी सेम फार्मूला है। तो सर अगर मेटाबॉलिक रेट बेस्ट हो भी जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि एक परफेक्ट बॉडी वही है जिसके एब्स हों? नहीं, परफेक्ट बॉडी वही है जिसमें स्ट्रेंथ हो, तो जिसका स्टेमिना अच्छा हो। कैसे मतलब हाई मेटाबॉलिज्म के साथ एब्स, जैसे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा भी उसको मतलब जैसे अभी बात हो रही थी पुशअप्स करने हैं, तो एक साथ करने की जगह 2-2 पुशअप करते रहो हर आधे घंटे बाद, हर 20 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद कर दो, धीरे धीरे रिड्यूस करते रहो टाइम। आप आधे आधे घंटे में शुरू करो। देखो आप एक चीज देखो, आप सीधा 1 घंटे में मतलब एक साथ लगातार 50 या 100 पुशअप्स कर लो, वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा सर। नहीं, आप करो। उसके मुकाबले में दूसरा काम क्या करना है कि आप हर 10 मिनट में 2 पुशअप कर लो और 50 बारी पूरे दिन में 100 पुशअप कर लो, 100 उधर भी थे 100 इधर भी थे। सही बात। अब उसके बाद ये देखने की कोशिश करो कि कौन सी चीज आपको ज्यादा थकाती है। वो 100 वाली में तो टीयर भी आ जाएगा सर। हाँ, टीयर आने के अलावा आपको ये पता चलेगा कि ये करने से आपको 10 गुना ज्यादा थकान होती है। अब जिसको वॉक एंड रेस्ट करते हैं ना, तो वो तो ये सोते हैं यार 1 घंटे में 5 मिनट चल रहा है तो कुछ भी नहीं है, पर जिसका मेटाबॉलिक रेट कम होता है वो भाई साहब दूसरे तीसरे दिन हाथ खड़े कर देता है, ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, तो होती नहीं है। सही बात। जिसका मेटाबॉलिक रेट, जैसे आपने बताया कि जैसे सर जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो पुलअप और पुशअप से बन जाती हैं, लेकिन जो एब्स हैं वो उसके लिए तो जैसे ज्यादातर लोग रनिंग बोलते हैं, लेकिन आप जैसे वॉक एंड रेस्ट बोल रहे हो उसके लिए भी, तो जो थोड़ी एक्सरसाइज आपने बोली उसके बाद वॉक एंड रेस्ट के बाद, तो वो उसको क्या कहना चाहोगे, वो रनिंग या फिर उसके लिए कुछ और कहोगे अगर स्टमक के एब्स की बात करें? मुझे नहीं समझ आता स्टमक के एब्स वगैरह के लिए कौन रनिंग बोलता है, हर कोई बोलता है कि वेट्स करना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना कभी रनिंग के लिए, कार्डियो के लिए वो बोलते हैं, वेट कम करने के लिए या बर्न करने के लिए। सोमन और ये सब स्टार्स हैं तो वो रनिंग की बोलते हैं सब जैसे। नहीं नहीं, मिलिंद सोमन की कहाँ कोई ज्यादा एब्स वगैरह है। अच्छा। नहीं, मिलिंद सोमन जैसे एब्स वगैरह की बात करो, सलमान खान और शाहरुख खान ने बीच में बना लिए थे, फिर आमिर खान ने बीच में बना लिए थे। अच्छा, तो उनके लिए अब वेट कह रहे हो, मतलब वेट उठाना ही। हाँ, वेट उठाना कहते हैं वो, तो अगर उसको एब्स को मसल्स को खत्म करना हो तो रनिंग होती है। कार्डियो में हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आप कार्डियो करोगे थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके मसल्स ना खत्म हो जाए। तो ज्यादा आप रनिंग करोगे तो मसल्स खत्म हो जाते हैं, एब्स की तो बात ही भूल जाओ। अच्छा, तो एब्स के लिए वेट उठाने की बात, मतलब आप वेट की उस तरफ के मसल्स को वही टीयर करने की बात होती है, जहां पर भी आप बनाओगे ना वो टीयरिंग होती है, तो स्वेलिंग होती है, जब वो हीलअप होता है तो स्वेलिंग होती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आप जितने भी वेट लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स इन सबको देखोगे, सबकी बैक में प्रॉब्लम होती है, सबकी बैक डैमेज होती है। सही कह रहे। और ये कहते रहते हैं एक ही बात की जी ये इस प्रोफेशन का रिस्क है, ये कोई बात नहीं, रिस्क विस्क है, अगर आप ठीक कर रहे हो, कोई भी काम करोगे ठीक तरीके से करोगे तो फायदा ही होगा। अच्छा, तो मतलब एब्स को तो सही नहीं कहना चाहिए इसका मतलब, अगर बनाना हो तो
तो अगर स्लिम अगर हम फैट रखना चाहें मतलब स्टमक को, तो उसके लिए फिर आप ये कह रहे हो कि मतलब वो कैन रेस्ट भी ठीक है। हाँ, अगर आपको स्टमक बढ़िया चाहिए, आपको स्ट्रेंथ बढ़िया चाहिए कि भैया आप जैसे जिमनास्ट की मतलब बॉडी होती है उसमें तो एब्स वगैरह होते नहीं। नहीं तो जिमनास्ट का भी ना मतलब कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से हर जगह होती है कि अब जैसे कपिल देव है खूब एक्सरसाइज करता होगा। अभी सुना है आपने पिछले 2 दिन पहले उसको हार्ट अटैक हो गया। हाँ, वो हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ, तो उसकी 61 एज है। तो अब कहीं ना कहीं तो उसके साथ प्रॉब्लम है। दूसरी उसकी रिपोर्ट ये भी आई कि वो बहुत ऐसे डायबिटिक भी चल रहा है। हाँ, वो एंजियोप्लास्टी हुई है उसकी न्यूज में था। हाँ, एंजियोप्लास्टी तो हुई है, उसके अलावा डायबिटिक भी है बहुत ऐसे। अच्छा। और जबकि कहा यह जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप एक्सरसाइज करो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर यह है कि जो आदमी पैदा होते ही एक्सरसाइज कर रहा है, शुरू से खेल रहा है, तो ये तो है नहीं कि उसने 18 साल में शुरू किया है, उसने तो बचपन से शुरू कर दिया ना खेलना। सही सही। और उसके अलावा और लोगों को ले लो, कितने स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको डायबिटीज है, फिर भी ये कहते हैं जी डायबिटीज ठीक हो जाती है अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर दो तो। हाँ, ये तो उल्टा हो गया सर मेरे तो सर स्लिम बॉडी के लिए फिर आप मिनिमम कौन सी एक्सरसाइज करना चाहोगे वॉक एंड रेस्ट के अलावा? वॉक एंड रेस्ट करो, आपको स्लिम थोड़ा बहुत आपको टोन अप करना है जहां पर आपको दिखाई दे और स्ट्रेंथ भी बढ़े। तो थोड़ी सी जो ये जो होता है कि आपने 2 पुशअप मारे, इसी तरीके से आपने हर 10-15 मिनट के अंदर 2 सिटअप्स मार लो तो एब्स बन जाएंगे। ज्यादा मत करो, एब्स बनेंगे और बढ़िया बनेंगे, स्ट्रेंथ भी होगी। मतलब पुलअप पुशअप और सिटअप्स से ही काम चला सकते हैं। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग जिम जाते हैं ना, प्रोटीन वोटीन खाते हैं, उनके एब्स बनते हैं, टेढ़े-मेढ़ी शेप बनती है। अगर अखाड़े वाले देखोगे ना लोग, अखाड़े वालों का जो मसल होता है वो देखने में शेप वेप कुछ नहीं होता, तो उनकी स्ट्रेंथ जिम वालों से जिनकी शेप होती है उससे 10 गुना अच्छी होती है और उनके मसल देखा करो बढ़िया होते हैं। सही कहा, वो रास्ता चढ़ने में बहुत फास्ट हो जाते हैं। हाँ, उनकी उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ दोनों अच्छी होती है, उनकी कोई बैक के बैक इंजरीज नहीं होती है। इंजरी उन्हीं की होती है जो सारा दिन यही करते रहते हैं, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। सही कहा। आप करते क्या है सर? मैं पढ़ाई करता हूँ सर अभी तो। क्या? और मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं ना सर जैसे। हाँ, क्या एग्जाम, कौन सा एग्जाम कोशिश कर रहे हो? जैसे SSC, बैंक, UPSC इन सब के। तो आपने पहले क्या पढ़ाई की हुई है? इंजीनियरिंग की थी सर मैंने। क्या इंजीनियरिंग में क्या किया सर? यही मैकेनिकल और यही सब जो होती है। मैकेनिकल ही थी। बीटेक किया था? हाँ हाँ, बीटेक सर। कहाँ से? दिल्ली से ही है सर, मतलब दिल्ली से ही किया था। तो वहाँ पे तो मतलब जैसे काफी बच्चे करते ही रहते थे सर जिम, उस टाइम तो थोड़ा बहुत ही करते थे तो टीयर वगैरह आ जाते थे तो इससे छोड़ देते थे। तो फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी लोग होते हैं जो ये बीटेक टेक करते हैं, MBBS करते हैं, MD करते हैं, इन लोगों के बारे में बोला जाता है बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो वैसे नहीं है, फालतू में ऐसे ही करके हो जाता है टाइम पास। नहीं, फालतू में तो टाइम पास, पर जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत पढ़ने लगते हैं ना। हाँ, कुछ टाइम बहुत सीरियस पढ़ना पड़ जाता है बीच में। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो MBBS करते हैं, जो MD करते हैं, वो 95% लोग पागल होते हैं। वो तो जाते हैं, सटक जाते हैं। नहीं, बात सिर्फ सटकने की नहीं है, बात को मैं आपको बताता हूँ क्या होता क्या है। अच्छा। मैंने पढ़ाई का एक सिस्टम निकाला जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 बार इंटरनेट के ऊपर पढ़ा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो ये काफी टाइम पहले की बात है, तो उसमें ना एक वर्ड आया कंसंट्रेशन स्पैन, कि आप कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हो एक बारे में, एक बारे मिनट और साइकिल 25 मिनट, ऐसे मैंने भी पढ़े हुए थे। हाँ। तो उस जमाने में जो मैंने पढ़ा था उसमें 40 मिनट्स आया था, पूरे 24 घंटे में आप 40 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हो। सही। तो मैंने कहा यार एग्जाम से बच्चे 8-8 घंटे पढ़ते हैं तो उसका तो फायदा ही नहीं कोई। तो दूसरी बात फिर देखी उसमें ना, जहां पर ये था उसके नीचे क्वेश्चन था। अच्छा। जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो कई बार गवास्कर पूरा पूरा दिन खेलता है, सुबह 10 बजे आता है और शाम को 5:30 बजे तक खेलता रहता है। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो हाई कंसंट्रेशन के बिना तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बॉलर्स भी अच्छे हैं सामने। सही बात। तो उसका जवाब उसने ये दिया कि भाई जब ये बंदा खेल रहा होता है ना तो ये फुल कंसंट्रेशन मोड में नहीं रहता, जब उधर से बॉल चल पड़ी उसने हाथ घुमा दिया तो वो जो आधा एक सेकंड लगता है बॉल को पहुंचने में, ये उसी पीरियड के अंदर स्विच अपने आपको पूरी कंसंट्रेशन मोड में ले जाते हैं और जैसे ही खेल के हटते हैं उस तो अपने आपको रिलैक्स कर देते हैं। सही, रनिंग सही। कर रहे हैं तो आराम से कर रहे हैं। तो उस समय अगर इस सारे टाइम को जोड़ा जाए तो वो 40 मिनट भी नहीं होते पूरे दिन में।
ठीक है। तो अब इसका नतीजा ये निकाला कि भाई पहली बात तो अगर आपका कंसंट्रेशन स्पेन ही नहीं है तो आप जितना पढ़ते जाओगे उतना नुकसान होता जाएगा। सही, तो हमारे बच्चों के उस समय रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे एकेडमिक, तो मैंने उनको जब मेरे को चार्ज मिला बच्चों को पढ़ाने का, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करो, तुमको कुछ नहीं आता और तुमको जो चीज टीचर ने नहीं पढ़ाई वहां से शुरू करो, आठवीं या सातवीं क्लास की बात है, मैथमेटिक्स, मैंने उसको शुरू करो, मैथमेटिक्स का वो चैप्टर खोलो जो जब तुम स्कूल जाओगे अब तो वो पढ़ाना है, दशहरे की छुट्टियां थी। तो उसके बाद बोला कि भाई जहां पर चैप्टर नंबर लिखा है वहां से पढ़ना शुरू करो। अच्छा। और उसके बाद में हर 5 मिनट बाद किताब बंद करके लेट जाओ, आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा पढ़ने से शुरू करने से पहले ये सोचो कि तुमने पहले क्या पढ़ा था, रीमेमराइज कर लो, रिकॉल कर लो सब चीजों को। अगर आप किसी चीज को 10 मिनट के बाद रिकॉल कर सकते हो तो उसका मतलब है कि वो डीप मेमोरी में चला गया, वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। सही सही बात। अब शुरू शुरू में तो बहुत हुआ कि जी जो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मैंने स्कूल में पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, जिन आदमी ने किताब लिखी उसको किसी ने पढ़ाया था, उसने भी तो विजुलाइज करके धीरे धीरे करके फोकस करके उसने धीरे धीरे उस चीज को इनोवेट किया। सही बात है। तो जरूरी थोड़ी है कि तुमको रट के ही काम करना है, समझो उसको समझ के जिंदगी में यूज करो तभी तो फायदा है, ऐसी रट के एग्जाम पास करके क्या मिलेगा। सही बात। तो टाइम लगा समझने में तो। और दूसरी चीज मैंने कहा तुमको रेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, तुमको बोला 5 मिनट पढ़ने के लिए, तुम 5 मिनट नहीं 1 मिनट पढ़ लो, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी सीरियस होकर। सही बात है। तो जिस तरीके से आप रनिंग शुरू करते हो तो पहले दिन बहुत दर्द होती है ना, पहले या दूसरे तीसरे दिन दर्द होती है। सही बात। तो फिर उसके बाद आपको आदत पड़ जाती, फिर नहीं होती। हाँ। इसी तरीके से तुमने दिमाग यूज नहीं किया, अब तुम दिमाग यूज करोगे दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तुम्हारे काला काला मतलब अंधेरा छाएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो जैसे ही तुमको लगे दिमाग काम नहीं कर रहा लेट जाओ। और इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे दिमाग काम करना शुरू कर देगा, 2-4-5 दिन 10 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि स्पोर्ट्स में भी होता है। सही बात। तो दूसरी चीज, मैंने कोई टारगेट तो दिया नहीं कि भाई आज पूरे दिन में तुमने ये खत्म करना है, तुमने आज पूरे 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ना है। लगातार का मतलब है 2-4 मिनट पढ़ लिए 10 मिनट लेट लिए, तो उसको टारगेट था कि आज पूरा दिन में या तो खा लो या सो लो और या पढ़ लो, खा लो सो लो पढ़ लो, कितना क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। म्यूजिक नहीं सुनना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। शाम तक पहली बात तो 4-5 घंटे तो परेशान होते रहे, पर कंडीशन यही थी कि कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, घर से बाहर निकलना नहीं है। तो अब शाम तक एक इलस्ट्रेशन हो गई उस चैप्टर की, इलस्ट्रेशन जो एग्जांपल होता है, एक्सरसाइज तक नहीं पहुंचा, परंतु खुशी बहुत थी कि अपने आप कर लिया बिना किसी हेल्प के। उसके बाद अगले दिन मे भी 4-5 हो गई, उसके अगले दिन स्पीड और बढ़ गई। 15-20 दिन के अंदर आप एक्सरसाइज को तो छोड़ो, आपका चैप्टर शुरू हुआ उसमें एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन होती है 8-10, उसका एक्सरसाइज शुरू होती है, फिर दोबारा से दूसरी एक्सरसाइज होती है उसी चैप्टर की। सही बात है। 15-20 दिन के अंदर स्पीड इतनी हो गई पूरा पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता था, जबकि पहले दिन सिर्फ एक इलस्ट्रेशन हुई थी। तो वो अपनी कॉन्फिडेंस और अपना उसके ऊपर होता है, आप जितना मर्जी पढ़ते रहो, आज की डेट में मैं 90% जो डॉक्टर्स है, 90% क्या, आज की डेट में तो मैं चैलेंज एक देता हूँ कि दुनिया के जो सबसे टॉप के 10-100 डॉक्टर है ना, डॉक्टर साइंटिस्ट हेल्थ के सेक्टर में, वो एक तरफ हो जाओ, मैं अकेला एक तरफ हो जाता हूँ। और अगर पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, 100 पेशेंट तुम ले लो और 6 महीने के अंदर तुम 10 पेशेंट ठीक करके दिखा दो। मुश्किल है, 10 तो एक महीना होना, और मुझे सिर्फ 1 महीना दे दो। और अगर तुम 10 ठीक कर दोगे तो मैं हार मान लूंगा, अगर मैं 100 में से 90% ठीक नहीं कर सका तो मैं हार मान लूंगा, पैरामीटर्स भी अलग कर देता हूँ मैं। तो हर कोई ये कहता है जी हम कम्पीट नहीं करते हेल्थ सेक्टर में, हर आदमी को लूटने का अलग अलग हक है। चलिए करिए, आपको पता चलेगा। आपको भी ये फॉर्मूला बताया ना जो इसका, ये आपको शुरू के 10 दिन बहुत तंग करता है, और अगर आपने इसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया, सिर्फ 1 महीने की बात है, थोड़ी सा दुखी होना पड़ता है, उसके बाद दुनिया के किसी टेस्ट में बैठ जाओ फेल नहीं हो सकते। ये बात तो सही है। रिकॉलिंग तो सभी बोलते थे, लेकिन इस तरह से नहीं, मतलब हर 5-5-10 मिनट में ही करो। हाँ, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपने एक मतलब 5-10 दिन के बाद ये होता है कि आपके 3 पेज में या 5 पेज में हेडिंग्स देखनी होती है, हेडिंग के बाद अंदर क्या लिखा है वो अपने आप से मन से सोचो। सही। धीरे धीरे जब आप इसको एनालिटिक मोड में जाते हो तो उसका जिंदगी में फायदा भी होता है, क्योंकि आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक तीसरा लाइन और होती है, रिकॉल करने के बाद ये कनेक्ट करने की कोशिश करो, भैया ये चैप्टर आज पढ़ा है,
इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन कब पड़ी थी, कौन सी क्लास में कौन से चैप्टर में पड़ी थी। फिर उसके बाद अगली बार से हेडिंग देखो और पिछली जो इन्फॉर्मेशन है उस हेडिंग से अंदाजा लगाओ कि नीचे क्या लिखा होगा। तो धीरे धीरे आपका माइंड जो होता है वो टोटल एनालिटिक हो जाता है, उसका मतलब उस नॉलेज को आप जिंदगी में यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि बंदे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नंबर आते हैं, उनसे कोई चीज पूछो फटाक से बता देंगे। उनसे पूछो जी गावस्कर ने कौन से साल में एक छक्का मारा था, ये पांच छक्के, वो फट से बता देंगे, वो कंट्री भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। कई तो कपड़े लेके बता देते हैं प्लेयर कौन सा है। हाँ, और जब आप उनको कुछ एनालाइज करने के लिए दे दो ना इन्फॉर्मेशन को, तो वो उनसे नहीं होती है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, वो कैमरे की तरह से होता है, छप जाती है उनके दिमाग में। ऐसे बहुत से किस्से हैं। तो आपको एग्जाम क्लियर करना इस फॉर्मूले पर चलो और उसको एनालाइज भी करने का जो मैं कह रहा हूँ लिंक करो इन्फॉर्मेशन को, तो वो स्टोरेज में और रिट्रीवल में बहुत आसानी रहती है जब आप एक्चुअल एग्जाम पे जाते हो। और कोई भी चीज हो उसको आराम से तसल्ली से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, और धीरे धीरे करके आपकी समझ इतनी तेज होने लगती है कि आपको 90% चीज जो होती है वो अपने आप से समझ में आने लगती है, आपको हर चीज नई नहीं लगती। अदरवाइज जो बाकी लोग रटते हैं उनको हर चीज नहीं लगती है, हर चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से उनको सेव करना पड़ता है दिमाग में। सही करता हूँ सर मैं इस चीज पर अप्लाई। ठीक है सर, थैंक यू सर।